स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज चल रही है 12.1 और 12.1 में पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक से लेके चार तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में सॉल्व। तो स्टूडेंट ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। टिक द करेक्ट आंसर, यानी आपको ये कुछ चार जो हैं वो ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आपका राइट आंसर है उसे हमें टिक करना है, यानी उसमें हमें टिक कर देना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर इफ द पेरीमीटर एंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है उसका पैरामीटर, यानी कि सर्किल का जो पैरामीटर होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जो आपका सर्किल जो है उसका सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ये है जी आपका एक सर्किल, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है जी, मान के चलते हैं ये क्या है आपका एक सर्किल है। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, पैरामीटर है, पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, वृत्त के, सर्किल के मामले में से सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, एरिया ऑफ द सर्किल, जो सर्किल का एरिया है उसके इक्वल है। ठीक है ना, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कर लेते हैं, लेट रेडियस रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ सर्किल मान लेते हैं बी आर, यानी सर्किल की रेडियस जो है वो क्या दी हुई है आपको, आर दी हुई है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, आर है। ठीक है, ये हो गई, ये आपकी रेडियस क्या है, आर दी हुई है। ठीक है, अब हमसे बोला है जो सर्किल का पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, यही तो बोला हुआ क्वेश्चन ने। तो सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए आप, पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या कह सकते हैं, हम इसे पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा भाई, पाई से पाई क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। तो देखते हैं, तो देखिए पाई से जो है ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आर को क्या नोट कर सकता हूँ, अब हमारे पास क्या रह गया, टू आर इजकल टू आर स्क्वायर को मैं नोट कर सकता हूँ, आर इंटू आर। मैं आपको यहां भी बता सकता था कि आर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए R से R कैंसिल हो गया, अब आपसे रेडियस क्या आ गई, R इजकल टू क्या आ गई है, 2R, तो यानी R की वैल्यू क्या आ गई है, 2, R की वैल्यू क्या आई है, 2। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, तो सर्किल की रेडियस जो है वो क्या आई है आपकी, 2 आई है। ठीक है ना, 2 यूनिट आया आपका आंसर। और आपको जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए बी सी, उनमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 2, थर्ड क्या है, पाई, फिर क्या है, 4 यूनिट और 7 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या है, 2, यानी 2 यूनिट। तो यहां से जो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी हमें टिक करना था और जस्टिफाई करना था, तो आपका आंसर नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, यानी 2 यूनिट जो है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपकी 12.1 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो है इसकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 12.2 के साथ में लिंक बटन पर आप जाइए, आपको पूरे एरिया रिलेटेड टू सर्किल की 12.1 की कंप्लीट फर्स्ट टू फिफ्थ तक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ, बाय बाय।